हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एएन सिंह, सेक्सोलॉजिस्ट। चलिए दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि पुरुष का जननांग क्यों छोटा रह जाता है या क्यों छोटा हो जाता है। तो दोस्तों, इसको पूरा जानने से पहले, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई वीडियो बने तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं किस कारण से जो है पुरुष का जननांग यानी कि जो पेनिस की साइज होती है छोटी रह जाती है। तो सबसे पहला कारण होता है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जो पुरुषों का मेल हार्मोन्स होता है जिसे हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पुरुषों का ऐसा हार्मोन्स है कि उसके ऊपर जो पुरुष होता है उसके शरीर की सारी बनावट डिपेंड करती है। उसका मसल्स कैसा है, उसकी दाढ़ी मूछें कैसी है, उसका बाल कैसा है, उसकी शरीर थुथली है या कोई और दिक्कत हो रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो पुरुष के शरीर का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, यह टेस्टोस्टेरोन लेवल पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। जिस पुरुष में जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहता है या घटता है, उसके शरीर का स्ट्रक्चर उस तरह से बदलता है। जिसकी शरीर में कम होता है तो उसकी शरीर थुथली होने लगती है, भद्दी मोटी होने लगती है और बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगता है, गंजापन होने लगता है। और जिसका जेनेटिक कम होता है, पहले से ही कम होता है, तो उसकी दाढ़ी मूछें कम होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, तो अगर एग्जामिन किया जाए तो ऊपर से भी सही से अगर एग्जामिन कर दिया जाए तो देखकर पता है, उसके शरीर को देखकर पता चल जाता है कि इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। दोस्तों, ऐसे लोग अक्सर करके मोटे भद्दे होते हैं, थुतले होते हैं, दाढ़ी मूछें हल्की होती हैं और ऐसे लोगों का जो पेनिस की साइज होती है वो तो पहले से छोटी होती है, लेकिन मोटा होने के कारण जो है उनकी पेनिस जो है और अंदर को चली जाती है, क्योंकि ऊपर से जो है फैट ज़्यादा जब कवर कर लेता है तो जो पेनिस होता है सिकुड़ करके अंदर चला जाता है। तो सबसे बड़ा कारण होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन लेवल जब घटता है तब भी जो है इस तरह शरीर में चेंजेज आते हैं, या तो सेक्सुअल वीकनेस आने लगती है, लिंग में शिथिलता आने लगती है, या तो कुछ लोगों के अंदर जो है जेनेटिक होता है, पहले से ही कम होता है तो उसकी पेनिस की साइज इंक्रीज नहीं करती है। तो कुछ लोग की तो पहले से ही छोटी होती है, जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं हाई होता है या ज़्यादा नहीं होता है या लेवल में नहीं होता है तो उसकी साइज पहले से ही छोटी होती है। कुछ लोगों का जो है बाद में जब टेस्टोस्टेरोन लेवल घटता है तो उनके अंदर जो है नपुंसकता आने लगती है या शरीर में चेंजेज आने लगते हैं, शरीर थुतली होने लगती है, मोटा होने लगता है, कमजोरी शरीर में, थकान होने लगती है, तो बहुत सारी जो है प्रतिक्रियाएँ होने लगती है। तो टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों का हार्मोन्स होता है, मेल हार्मोन्स, वो मुख्य हार्मोन्स होता है, उसी की वजह से जो है हमारे शरीर का स्ट्रक्चर निर्भर करता है, तो उससे पेनिस की लंबाई भी घटती है, बढ़ती है। बहुत सारे दूसरा रीजन एक ये होता है कि बहुत सारे लोगों का जो पेनिस की साइज बहुत अच्छी होती है तो बहुत ज़्यादा या तो सेक्स कर देते हैं या बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर देते हैं, तो हस्तमैथुन करने की वजह से जो उनकी पेनिस की नसें होती हैं बिल्कुल जो कमज़ोर होने लगती हैं या ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, घर्षण के कारण घट्ठा बनने लगता है बाहर, जिससे उसकी नसें जो है सक्रिय होने लगती हैं और जो है ब्लड सर्कुलेशन कम होने से सिकुड़ापन होने लगता है, तो लंबाई के साथ साथ मोटाई भी घटने लगती है, या बहुत ज़्यादा सेक्स कर देने की वजह से भी लिंग शिथिलता होने लगती है, नसों में ब्लड संचार कम होने लगता है और पेनिस जो है सिकुड़ने लगता है और पतला भी होने लगता है, छोटा भी होने लगता है। तो ये दो भी रीज़न है। एक तीसरा है, बहुत से लड़के ऐसे हों जिनके की धात की शिकायत होती है, धात की शिकायत बराबर होने से ऐसा होता है कि धीरे धीरे पेनिस की साइज जो है छोटी होने लगती है और कमजोरी आने लगती है शरीर में, पता चलता है कि वो सही से स्टैंड भी नहीं होता है और जो है लंबा भी नहीं हो पाता है, ना ही मोटा हो पाता है, अगर इस तरह धात की शिकायत है। तो दोस्तों, ये तीन कारण ये भी हैं, ज़्यादा हस्तमैथुन कर लेना, या तो ज़्यादा सेक्स कर लेना, या तो किसी भी तरह से वीर्य स्खलन होना या धात की शिकायत, ये सारे मुख्य कारण है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता है, दिनचर्या सही नहीं होती है खाने पीने की और सही से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, इसके साथ साथ उनके शरीर का ना विकास हो पाता है ना ही उनकी पेनिस की साइज की विकास हो पाती है।
और कुछ रीज़न ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हर प्रकार से हिस्ट पुष्ट हैं, अगर उनके पेनिस का जैसे उपयोग न करते हों कभी, जैसे सेक्स न किए हों या जैसे कभी हस्तमैथुन न किए हों, तो दोस्तों इस कारण भी होता है कि पेनिस की एक साइज ये भी होती है कि जब आदमी सेक्स करता है तो धीरे धीरे उसकी लंबाई भी इंक्रीज होती है, मोटाई भी बढ़ती है और उसकी लंबाई भी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कर देने से बाद में कमजोरी आने लगती है। अगर जिस पुरुष का जो है पेनिस का उपयोग ना होता हो तो ऐसा होता है कि मतलब जो है जो लंबाई है खुल के बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन जब वो सेक्स करने लगता है तो वो धीरे धीरे लंबाई बाहर आने लगती है और मोटाई भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न होता है, तो इससे घबराए नहीं। जिसकी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कॉल करके कहते हैं सर मेरी लिंग की लंबाई बहुत कम है, पतली है, तो हम पूछते हैं कि मतलब आपने कभी सेक्स किया है कि नहीं, तो वो बोलते हैं कि सर अभी नहीं किया है। तो मैं सीधे जवाब देता हूं कि आप परेशान ना होइए, क्योंकि जब आप कभी अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने लगेंगे लगातार तो ऑटोमेटिक जो है लंबाई इंक्रीज होने लगती है और मोटाई भी बढ़ने लगती है। अगर आपकी पेनिस में कड़ापन है, सही से खड़ा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है। तो दोस्तों एक ये भी रीज़न होता है, तो इससे आप घबराएं नहीं। और जो मैंने रीज़न बताया, एक तो न्यूट्रिशन की कमी से अगर आपका खान पान सही नहीं है, पोषक तत्व तो सही नहीं है, तो ये भी होता है। एक मेंटली डिस्टरबेंस होता है, मेंटली डिस्टरबेंस के कारण भी जो है लिंग जो होता है सही से खड़ा नहीं हो पाता है, उसकी लंबाई इंक्रीज नहीं कर पाती है। तो जब भी सेक्स करें तो शांति से करें, बिल्कुल जो है टेंशन फ्री होकर के करें, घबराहट में कभी ना करें, क्योंकि घबराहट में कभी कभी जो ऐसा होता है कि लिंग की साइज इंक्रीज नहीं कर पाती है या पूरा उसका साइज नहीं बढ़ पाता है, तो शीघ्रपतन की भी शिकायत हो सकती है या जो है ढीलापन की भी शिकायत होती है। तो ये सब शांति से कोई भी काम करें, बिल्कुल जो है किसी प्रकार का टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, घबराहट ना हो, जल्दीबाजी ना हो, तो ऐसे में सेक्स करें, बिल्कुल आपकी लंबाई भी बढ़ती है अगर कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मुख्यतः मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है जो हार्मोनल है, ज़्यादा हैवी सेक्स, हैवी मास्टरबेट या तो ओवर मास्टरबेट, या कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि खेलों में भी जैसे चोट लग जाती है पेनिस में, या कभी एक्सीडेंट में चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से लिंग में चोट लगने की वजह से जो होता है कि नसें जो है फ्रैक्चर कर जाती हैं, या चोट लग जाने की ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है तो लिंग सिकुड़ने लगता है, तो ये भी कारण होता है। तो ऐसे अगर किसी प्रकार की समस्या हो कि अगर लंबाई इंक्रीज नहीं कर रही है, तो आप पूरा हमें डिटेल बताइए दोस्तों, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी कंसल्ट फीस 300 रुपया है। अगर आप हमारे यहाँ से दवा मंगाना चाहते हैं तो दवा भी हम ऑर्डर करते हैं, यहाँ से भेजते हैं। अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो सलाह लेने का 300 रुपया है, मैं आपको परामर्श दे सकता हूँ, आप जहाँ से हो दवा ले सकते हैं, या तो हमारे यहाँ से लेना हो तो हमारे यहाँ भी दवा कोरियर होती है, किसी प्रकार की गुप्त रोग संबंधी समस्या हो तो। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8299391146 दोस्तों, 8299391146। एक मेरा मोबाइल नंबर और है, नोट कर लीजिए, 9170120291। फिर से नोट कर लीजिए दोस्तों, 9170120291। ये दोनों मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, यूट्यूब नंबर है, ये और यही मेरा अकाउंट नंबर है दोस्तों। अगर किसी प्रकार का सलाह लेना हो तो आप व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं।